स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। दिल्ली से आपको खबर बता देते हैं, कांग्रेस की भारत बचाओ रैली आज दिल्ली से आपको खबर बता देते हैं कांग्रेस की भारत बचाओ रैली आज सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत कई दिग्गज इस रैली में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, भारत बचाओ रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुट गई है कांग्रेस। यूपी से 40,000 कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, भारत बचाओ रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुट गई है कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए खास तौर पे तैयारियां की गई। यूपी की बात करें तो यूपी से 40,000 लोगों की आने की बात कही गई है, और पहले ही यूपी के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस नेता, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां से 50,000 का टारगेट दिया गया है, मध्य प्रदेश से बाकायदा इसके लिए ट्रेनें बुक की गई है, उन ट्रेनों के माध्यम से लोग आएंगे, बसों के माध्यम से लोग आएंगे। राजस्थान का भी यही सीन है, वहां भी ट्रेनें बुक की गई हैं और बसों से लोग आएंगे। और खुद चाहे राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों जगह के न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि लगभग पूरा मंत्रिमंडल, सांसद सभी इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस इस रैली को कितना बड़ा बनाना चाहती है, कितना बड़ा विरोध जताना चाहती है, खासतौर पर सरकार के केंद्र सरकार के लिए, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, जिससे तैयारियां की गई हैं। दूसरी बड़ी चीज कि राहुल गांधी को खास तौर पे इस रैली में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक खास नारा दिया गया है कि मोदी है तो मंदी है, और इसी टैग के मोदी है तो मंदी है कि 20,000 शर्ट जो है वो तैयार करवाई गई है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे पहने हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी चीज, राहुल गांधी के बड़े कटआउट, एक सबसे बड़ा कटआउट जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान पे राहुल गांधी का लगाया गया है। इसके साथ ही 20,000 मास्क भी बांटे गए हैं, और वो 20,000 कार्यकर्ता उन मास्कों को लगा के इस रैली में भाग लेंगे, जो कि साफ तौर पे राहुल गांधी के समर्थन को दर्शाएगा। जी जी अमित, तो इस रैली को ऐतिहासिक बनाने वाली है कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से यूपी से 40,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ऐतिहासिक भागीदारी यूपी की भी होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए यूपी की कमान जो है वो पूरी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में। पिछले दिनों जब यूपी के दौरे पे थी, तब उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की थी और रैली में अपनी भागीदारी निभाने की बात कही थी। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस जो है अब यूपी में अपने आप को सशक्त साबित करना चाहती है, और लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा इसके लिए कोशिश भी कर रही है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष का बदलना हो या नेताओं पे कार्रवाई को लेके हो, तो अब जो है पार्टी अपने आप को एक मेन फॉर्म में दिखाना चाहती है। और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि जो दावा किया जा रहा है कि यूपी से 40,000 कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में आएंगे, तो उम्मीद की जाती है कि ये कार्यकर्ता आएंगे। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें हैं, और जाहिर तौर पर वहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस के पास संसाधन साधन सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हैं। खुद चूंकि सरकार होने का एक अलग अपना बेनिफिट होता है, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश वहां पे कांग्रेस सरकारें जरूर नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदर्शन किया था खासतौर पे विधानसभा चुनाव में, उससे कांग्रेस में एक आस जरूर जगी है। और हरियाणा से भी उम्मीद की जाती है कि कम से कम 50,000 के आसपास कार्यकर्ता, चूंकि दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा है, 50,000 के आसपास कार्यकर्ता इस रैली में जुटेंगे। और यूपी से लगातार जो है पहले से प्रयास किए जा रहे हैं, सभी प्रदेश अध्यक्ष चाहे विधानसभा या विधान परिषद के नेताओं की बात करें या कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें, यूपी से पहले ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू भी हो गया है। कई हजार कार्यकर्ता जो है अब तक दिल्ली पहुंच चुके हैं, और जो नहीं पहुंचे वो धीरे धीरे उनके आने का सिलसिला जारी है। जी अमित, बिल्कुल सही कहा आपने, काफी तैयारियां की गई हैं इस रैली को ऐतिहासिक बनाने में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ लखनऊ से सतीश शुक्ला जुड़ चुके हैं। सतीश जी, ऐतिहासिक रैली का आयोजन करने जा रही है कांग्रेस, यूपी से 40,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं, तो यूपी से ऐतिहासिक भागीदारी होने जा रही है इस रैली में। देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके भारत बचाओ रैली का ये किया गया है दिल्ली में, इस सभी चीज़ों को लेकर कांग्रेस एक तरीके संदेश देना चाहती विपक्ष को कि कांग्रेस में अभी भी दम है और
अभी लगातार ये कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर अड़ी रहेगी। इन सभी मुद्दों को लेकर आज भारत बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच चुके हैं और अपने कार्यकर्ता अपने साथियों को लेकर और अपनी योजनाओं को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर वो सब लोग पहुंच चुके हैं। और अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में महासचिव बनने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रही हैं, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर या बड़े बड़े मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं और लगातार सरकार को घेरती नजर आए। चाहे अगर बात करें सोनभद्र की घटनाओं को लेकर या DHFL में हुए घोटाले को लेकर, बड़े बड़े मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी विपक्ष पर हमलावर, इन सभी मुद्दों को लेकर आज जिस तरीके गांधी परिवार आज वहां पर दिल्ली में रैली में मंच पर इकट्ठा होंगे, तो वहीं प्रदेश के अलग अलग राज्यों के अगर कांग्रेस की सत्ता की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश में भारी से संख्या में पहुंचने की उम्मीद भी है और विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी की गई है। अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की, तो उनकी पहली परीक्षा रहेगी कि जिस तरीके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं को कितने से कितना ज़्यादा से ज़्यादा जुटा पाएंगे, उन सभी चीज़ों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष आज मुकाबला करेंगे। जिस तरीके विपक्ष को लगातार हमलावर होते हैं, चाहे विधानसभा की बात करें या सड़क से लेकर कई अन्य चीज़ों को लेकर बात करेंगे, उन सभी मुद्दों को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष भी लेकर पहुंचे हुए अपनी बातों को रखेंगे। और तमाम मुद्दे अगर देखा जाए तो ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लगातार मेहनत करते आए हैं और कार्यकर्ताओं को जुटाने में मेहनत करते आए हैं और कांग्रेस को छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों को लेकर जुटाने में कोशिश की है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज भारत बचाओ रैली की गई है। इन सभी विपक्ष को लगातार ऐतिहासिक बताना होगा कि कांग्रेस में अभी भी दम बचा हुआ है। जी सतीश, वैसे तो आर्थिक मंदी को लेकर विपक्ष को घेरा ही जा रहा है, लेकिन एक और मुद्दा है जो नागरिक संशोधन बिल है, उसको लेकर भी इस रैली में इसको उठाया जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये बिल पास हुआ था उस दिन सोनिया गांधी ने कहा था कि ये काला दिन है। देखिए बिल्कुल तमाम मुद्दों को लेकर आज चाहे नागरिक संशोधन बिल को लेकर हो, चाहे नारी सुरक्षा को लेकर हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे किसानों के मुद्दों को लेकर हो, चाहे नौजवानों को मुद्दे को लेकर हो, तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरने की बारी है। कांग्रेस आज सभी मुद्दों को लेकर आज भुनाने की कोशिश करेगी और ऐतिहासिक संदेश देने की कोशिश करेगी कि लगातार जिस तरीके कांग्रेस विरोध करते आई है, इन सभी पहलुओं को लेकर आम नागरिक भी चाहता है कि इन सभी पहलुओं को हटाया जाए, लेकिन लगातार बेरोजगारी को लेकर देखा जाए, GDP को लेकर दिया जाए, तो तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष पर हमलावर होगी और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश भी करेगी। जी सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। अमित, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस आज विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है, विपक्ष को घेरने की तैयारी में यूपी से 40,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होने वाले हैं। कई तरीके के मुद्दे हैं जिसको विपक्ष को घेरा जाएगा। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को कांग्रेस घेरेगी, तो वहीं इस रैली में कांग्रेस नागरिक संशोधन बिल का मुद्दा भी उठाया जाएगा।